कभी ऐसी चीज होती है कि स्क्रिप्ट नायक हो जाती है, क्या आपको लगता है कि ये स्क्रिप्ट ऐसी है जो आप हैं इसीलिए तो फिल्म आगे आएगी ही, लेकिन अपने सब्जेक्ट के कारण ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा थिएटर में जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींचेगी, क्या आपको ऐसा लगता है? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये जो खिताब आप मेरे नाम पे होती है वो उसमें मुझे विश्वास नहीं और ना ही मैं यहाँ आया हूँ उसे सुनने के लिए। हम सब यहाँ पर इसलिए एकत्र हैं क्योंकि हम सब ने एक ऐसी फिल्म में काम किया है जिसमें हम सबको विश्वास था, लगन थी और एक तरह से हम सब के अंदर एक बिलीफ थी कि जो हम कर रहे हैं कह रहे हैं उसमें सच्चाई है और इसी चीज़ को मान के हम आगे बढ़े हैं। महिला का शरीर जो है, और ये मैंने एक अंग्रेजी एडिटोरियल में पढ़ा और मुझे बहुत सुंदर लगा और मैं उसे आज बयान करना चाहूँगा। A woman's body is not a democracy. It is a dictatorship. And it's about time the dictator took charge. Amit ji, hi. This is Sohail. On your left side, yahan par. Congratulations to all of you all. You're looking very smart, dashing with this jacket. So, yeah, definitely. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लुक के बारे में थोड़ा कहना चाहेंगे कि ये लुक हाउ वाज इट डिसाइडेड एंड लॉयर का किरदार करना हाउ डिफिकल्ट और इजी इट वाज लाइक। जितना कुछ मुझे दिया जाता है करने के लिए, बोलने के लिए, पहनने के लिए, ये सब मैं अपने जो निर्देशक हैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। सुजीत ने कहा कि इस तरह का लुक होना चाहिए, इस तरह के बाल होने चाहिए, इस तरह आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई होनी चाहिए और इस तरह के वस्त्र आप पहनेंगे। वो जो चेहरे पे मास्क है वो मेरा है और वो एक दिन क्योंकि मैं उसको लेकर के ट्रेनिंग कर रहा था तो सुजीत को अच्छा लगा, उन्होंने कहा इसको हम फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। फिल्म में इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दिल्ली में एक पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी है, इसलिए ये मास्क लगा करके घूम रहा है। लेकिन बाकी जितनी चीज़ें थी, जितने भी औजार मुझको मिले इस फिल्म में, वो सब सुजीत की देन है। कुछ हद तक ये जो किरदार है ये थोड़ा सा क्या कहें, एक थोड़ा सा बहका हुआ है अपने जीवन में, कुछ हताश भी है, कुछ निराशाएं हुई हैं और इसलिए ये इतना सक्षम नहीं है अपने काम में, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की वो परिस्थितियों को देखता है, ये इन तीन लड़कियों के घर के सामने ही रहता है और प्रतिदिन देखता रहता है इनकी जो हालत है या हालात हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर के ये कुछ कदम उठाता है जो शायद अपने जीवन में इसने पहली दफ़े इतना एक सशक्त कदम उठाया हो। और ये सारी बातें जो हैं ये सुजीत ने हमें समझाई, उसके बाद हम लोग ने मिलजुल करके इसमें उस किरदार को बनाया, चाहे वो उसके कपड़े हों, चाहे उसका व्यवहार हो, वो किस तरह से बात करेगा, किस तरह से बोलेगा, तब जाकर के किरदार बना। मिस्टर बच्चन, हैव यू गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी और एनीवन पर्संस यू हैव मेट इन योर लाइफ, हैव यू बेस्ड द कैरेक्टर ऑन दैट? नो, आई हैवंट। आई एक्चुअली हैवंट बीन इनसाइड अ कोर्ट, थैंक गॉड, एंड आई होप आई नेवर हैव टू। आई डिड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द आवर बोफोर्स एलिगेशन एंटर अ कोर्ट इन लंदन to defend myself. So that's the only time I saw a court. But I have never seen the insides of an Indian court. I merely went by whatever research was told to us by the writer. And the writers and the producers and the director and Sujit went through a huge research discussion, met lawyers, kept them on board. We actually had a recognized lawyer on set who would keep guiding us in case we went wrong, in the way we presented, in the way we spoke. The atmosphere on court is generally in Indian movies seen in the way you see it, but we've tried to recreate that as naturally as possible. I think that only adds to the temperament of the film. So we've really gone by what the research came to us through the directors, through the writers, and through the legal help that we got. So,